जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए फात साहब, मैं तो आइडियली जी मैं भी चाहता हूँ कि ये जो जलसे का इनका शौक़ है ये पूरा कर लें, बिकॉज़ हकीकत तो ये है कि हमने देखा, पहले उनने कहा छोटी ईद से पहले पीटने का, आप देखिएगा छोटी ईद के बाद बहुत आवाम मुल्क के कोने कोने में नज़र आएगी, छोटी ईद आई गुजर गई। फिर बड़ी ईद से पहले उनने यही दावा किया, बड़ी ईद आई गुजर गई। उसके बाद हमने देखा वो सुकड़ के एक भूख हड़ताल बन गई, जो कि एक दरी थी पार्लियामेंट के बाहर, जो कि आधे से ज़्यादा टाइम खाली रहती थी, और भूख हड़ताल कम और डाइट प्लान ज़्यादा थी, क्योंकि लंच के बाद उसका आगाज़ होता था, डिनर से पहले ख़त्म होता था। तो ये भी जो उन्होंने एक हवा बनाई हुई है, मैं तो पॉलिटिकली फ्रॉम प्योरली पॉलिटिकल एंगल तो मैं भी चाहता हूँ जी कि बिल्कुल ये अपना शौक़ पूरा करें, ताकि ये जो उन्होंने एक मिथ सी बनाई हुई है ये तोड़ें, ये बिल्कुल अपना शौक़ पूरा करें। दूसरी तरफ देखिए फात साहब, एक और एंगल भी है, लेकिन इसमें शौक एक पूरा करने जमात से है जो बिला साहब, पिछली मैं एक बीच में भाई लेट मी जस्ट क्विकली आइडिया, ये ठीक है आपका पॉइंट बड़ा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकली दैट मेक सेंस, लेकिन जब आप वो पकड़ धकड़ शुरू कर देंगे, एनओसी कैंसिल कर देंगे, लोगों को रोकना शुरू कर देंगे जो कि होगा कल, तो फिर तो एग्जैक्टली वही होगा जो कोई भी अपोजिशन पार्टी चाहेगी कि खबर बन जाएगी, हंगामा आरई होगी, ट्रैफिक ब्लॉक होगा, केओस होगा, ऑपोजिशन तो यही चाहती है, तो आप उन्हें एक्चुअली वो एक ट्रे में रख के दे रहे हैं ये सब कुछ। ये देखिए फात साहब, मैं इसलिए कहा, अब देखिए मैं तो खुद चाह रहा था कि ये अपना शौक पूरा कर लेते हैं, मगर द सेकंड एस्पेक्ट दैट आई वाज कमिंग टू व्हिच एड्रेसेस द क्वेश्चन दैट यू हैव जस्ट आस्क्ड या द कमेंट यू हैव जस्ट मेड, वो ये है कि देखिए साथ ही साथ एक ऐसी जमात है जिसने पिछले रिसेंट सालों में भी, पिछले एक दो सालों में भी, और पिछले एक दहाई में मुस्तकिल बार बार इस तरह के एनओसीज की और इस तरह की इजाज़तों की और पुरअमन एहतजाज के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और पुरअमन एहतजाज के नाम पर वायलेंस की है। तो जब उसकी बुनियाद पे अगर कोई इंतजामिया की तरफ से अगर कोई कंसर्न्स आते हैं, तो फ्रैंकली आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज रिसेंटली इसकी मिसालें मौजूद हैं। अब पहले कहा गया था डी चौक तक नहीं आएंगे, फिर डी चौक तक आ गए, नौ में आपके सामने, मतलब कि बार बार वायलेशंस हैं। खान साहब डज नॉट सी एनी वर्थ, या इनकी जमात ने बार बार एक ही रिवायत बनाई हुई है। तो मेरा भी ख्याल है पुलिस वाले भी नहीं चाहते कि बार बार इनसे अपने सर फोड़वाएं, जो ये सर इनने फोड़े और जुडिशल पेट्रोल बम्प अपने ऊपर फेंकवाएं, रेंजर्स की गाड़ियां जलवाएं, ये काम पीटीआई कर चुकी है, दिस इज नो लेकिन एग्जैजरेशन। उसमें अगर तो ये भी देखिए देखें मैं ना भी फ्रेंकली फ्रॉम अ इस प्योरली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आई एंगल से वांट अगर आप कि देखें, ये अपना शौक पूरा करें। शौक अगर पूरा कर ले, जी देखें दूसरा ओके जी शौक पूरा करना हो, जब वो पहले हमेशा होता था कि हम रेड जोन आएंगे, हम डी चौक में बैठेंगे, हम ब्लू एरिया में बैठेंगे, हम पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, वो तो समझ आती है ऑब्वियसली कि आप उस तरीके से इनसेंसिटिव जगहों पर जाके आप जो जलाओ घिराव नहीं कर सकते कोई भी इजाजत ना दे। लेकिन तरनौल जो कि मेरे ख्याल में पता नहीं 30-35 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से, पिंडी से भी थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, अगर वहाँ पे कर रहे हैं तो फिर उसमें कितना बड़ा इशू क्या है? वहाँ तो कोई ना तो कोई वहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई रेड जोन जैसी हसास जगहें हैं ना, यानी इट्स एन ओपन ओपन रोड, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? जी देखिए, अब देखिए ये तो आपने आई थिंक कमिश्नर ने और एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, उन्होंने ही कोई सिक्योरिटी के बुनियाद पे फैसला किया है। आई थिंक द बांग्लादेश क्रिकेट टीम इज़ ऑल्सो हेयर एंड देर आर अदर इश्यूज़। अब वो तो बेहतर वही बता सकते हैं जी, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स है जिसकी बुनियाद पे अगर एनओसी हुआ है तो वो तो एक सिक्योरिटी के ही मामलात हैं। मैं तो फ्रेंकली जी फ्रॉम अ प्योरली पोलिटिकल परस्पेक्टिव मैं हरगिज़, मैं चाहता हूँ कि ये अपना शौक पूरा करें, और मेरी और आपकी इस शो के ऊपर इस बात के बजाय हम किसी कौमी इशू पर बात कर रहे हूँ। पीटीआई के जलसे, खान साहब की तहवील में होना, गिरफ्तार होना, दीज आर ऑफ वेरी लिटिल इंटरेस्ट टू मी जी। लेकिन उसमें देयर आप आर बिगर देखिए एक इश्यूज इन प्रॉब्लम दिस और खड़ा हो कंट्री। जाएगा, तो एक प्रॉब्लम और खड़ा हो जाएगा, और वो ये कि चले मरवा साहब ने तो कहा है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूं, मैं कल आ जाऊंगा और लोग पहुंच जाए वहां पे, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो खबर आ रही है कि जो केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली मुइन गंडापुर साहब, वो कह रहे हैं मैं लीड करूंगा, और ये अनफॉर्चुनेटली वो हमें माजी की वो तल्ख यादें याद हैं, आपको भी याद होंगी कि अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक एहतजाजी रैली को या एक जलसे की रैली को लीड कर रहा है, उसके साथ सारी रियासती मशीनरी आ रही है, वो क्रॉस करके दूसरे सूबे में आ रहा है, वहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस है या पंजाब पुलिस है जो एक और गवर्नमेंट के नीचे है, यू कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। ये तो कंप्लीट एक केओस हो सकता है, बड़ी खौफनाक और तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। जी फात साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो देखिए ये तो फिर जिम्मेदारी उन साहब पे बनती है ना, ये वही साहब हैं जो
पहले एज चीफ मिनिस्टर इसी टर्म के अंदर कह चुके हैं कि जी खान साहब को रिहा ना किया, चाहे वो जो भी उनकी सजा हो, तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। ये सिटिंग सीएम के वर्ड से, ये वही साहब हैं जो पेस्को के अंदर घुस गए थे, ये वही साहब हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर को क्या सामान बाहर फेंकवा दिया था, गवर्नर ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस से। तो देखिए उस तरह की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का और रेकलेस बिहेवियर का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, उसका तो हल कोई नहीं कर सकते। ये तो खान साहब और उनकी जमात पे जिम्मेदारी जाती है कि इस तरह के एक शख्स को उन्होंने इतनी जिम्मेदारी की पोजीशन पे रखा हुआ है। तो इसमें फिर ये तो मज़्यूम कर सकते हैं, ये तो मज़्यूम कर सकते हैं कि अब क्योंकि एनओसी कैंसिल कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो कह रही कि जी ये जलसा नहीं हो सकता, अब उसको उस जलसे को न होने के लिए तमाम तर जो 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 भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंतजामिया के पास, गवर्नमेंट के पास, वो इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि वहाँ पे लोग जमा ना हो, पकड़ धकड़ भी होगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, कोलिजन भी होगा, लाठी चार्ज भी होगा, आंसू के, यानी गर्ज ये कि सब कुछ होगा। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि हमने इनको जमा नहीं होने देना। ये देखिए, ये तो आपने देखा कि आई थिंक ये कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं और एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, इन्होंने इंतजामिया ने प्योरली ऑन देयर फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव उन्होंने एक ये बात की है। और ये देखिए फॉर स्मॉलर इवेंट्स भी इस तरह का क्राइटेरिया होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जेलम में, वहाँ पर कोई स्पोर्टिंग इवेंट या किसी किस्म की भी कोई गैदरिंग हो तो उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। अब ये तो एक इंतजामिया के साथ पीटीआई कैन सिट डाउन एंड डिस्कस कि जी फिर अगली पॉसिबल डेट क्या हो सकती है, इस मामले को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसकी पासदारी करेंगे। फ्रॉम अ प्योरली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फ्रेंकली स्पीकिंग जी, मैं तो चाहता हूं कि ये अपना शौक पूरा करें ताकि ये बात और ये मौजू ही ना बने। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड इफ देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स फ्रॉम अ गिवन दैट पीटीआई इज अ पार्टी विद अ वायलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, जिन्होंने इन्हीं पुलिस मैन के ऊपर पहले पेट्रोल बम भी फेंके, इन्हीं की फोड़े, अगर और उसके अलावा और भी अगर इत्तला है सिक्योरिटी कंसर्न्स की, तो आई डोंट ब्लेम एट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब मुझे क्विकली दो चीजें और बताएं, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं बिफोर वी लेट यू गो। एक तो ये आईएमएफ का मामला है, और आज ये रिपोर्ट भी हुआ है कि जो अभी आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी थी, जिसने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको फाइनल अप्रूवल देनी थी, वो जो मीटिंग होने जा रही है अगस्त के आखिर में, उसमें पाकिस्तान एजेंडा पर नहीं है, और वो पाकिस्तान का जो केस है वो आगे कर दिया गया है। क्यों? जो बताया जा रहा है वो ये कि जी हमने जो अपने लोन्स को रोल ओवर करवाना था चीन से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, वो हम नहीं करवा पाए। इज दिस करेक्ट? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आप इसको वेरीफाई करेंगे कि यही वजह है कि हमें इस मीटिंग में आईएमएफ से हमें अप्रूवल नहीं मिलने जा रहा। जी फात साहब, ये आई बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे आई वुड हैव टू स्पीक टू द फाइनेंस मिनिस्टर टू बी एब्सोल्युटली सर्टन ऑन दिस फैक्ट, इसलिए मैं कोई बिला वजह दावा आपके शो पर नहीं करना चाह रहा, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इन ऑल द आईएमएफ प्रोग्राम्स दैट पाकिस्तान हैज बीन इन, जब स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो जाए तो उसके बाद बोर्ड अप्रूवल इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो अगर कोई ऐसी एक दो छोटे प्री रिक्विजिट्स रह भी गए हैं तो आई एम श्योर वो फुलफिल हो जाएंगे। मेन तो जो चैलेंज था वो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच करना था, जो कि उस बजट की बुनियाद पे हुआ था जो बजट पास हुआ, और कुछ और एक्शंस थे जिसमें कुछ लेजिस्लेशन भी थी, बिजली के नर्क और गैस के नरखों का मामला था, वो सारे प्रीरिक्विजिट्स तो पूरे हो गए हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ है भी, या यू नो आईएमएफ के बोर्ड की मीटिंग्स होती रहती हैं एंड देर आर मेनी थिंग्स ऑन देयर एजेंडा, तो आई एम श्योर अगर इस अगस्त के नेक्स्ट मीटिंग में नहीं तो उससे नेक्स्ट में ये आईएमएफ का प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा। ट्रेडिशनली दिस इज नॉट रियली अ क्रिटिकल पॉइंट इस पे, लेकिन इस पे